નમસ્કાર મારા વહલા વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે વાત કરીશું ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા આયોજિત દ્વિતીય પરીક્ષાના મિત્રો આપણે ધોરણ અગિયાર વિશે હિન્દીનો આદર્શ પ્રશ્નપત્રનો સંપૂર્ણ સો ટકા સોલ્યુશન મેળવવાના છીએ એ પહેલાં ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રથમ વાત કરીશું વિભાગ એ નિમ્નલિખિત પ્રશ્ન उत्तर दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर लिखिए बाद लोग किसे आशीष देते हैं तो जवाब आवश्यक सी आग को जो मित्रों ने पी डी एफ मेलवा मांगो छो तो डिस्क्रिप्शन अंदर आपेली एप्लीकेशन डाउनलोड छो निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए मेहनत से कमाया हुआ एक पैसा किससे ज़्यादा मूल्यवान है तो मेहनत से कमाया हुआ एक पैसा फोग में मिले अंडे से ज़्यादा मूल्यवान है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो तीन वाक्य में दीजिए कवि अरमानों के बारे में क्या कहता है जवाब उजाले या अंधकार में कल कहार या बीच धार में घोर तृष्णा में या पवित्र प्यार में कवि अपने अरमानों के साथ आगे बढ़ने के लिए कहते हैं जीत का आनंद क्षणिक होता है हार का दुख दीर्घ काल तक चलता है आम अपने अरमानों को ढलना होगा सबके साथ कदम मिलाकर चलना होगा विद्यार्थी मित्रों मोस्ट आई एम पी प्रश्न पत्र है खास संपूर्ण वीडियो जो ले जैसे तमाम परीक्षा में खूब उपयोगी निवड़ से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पांच छ वाक्य में दीजिए पहला प्रश्न है लोगों को हिंसा के बजाय सरल जीवन क्यों पसंद है लोगों को के बजाय सरल जीवन पसंद है क्योंकि के बजाए एक सरल जीवन लोगों को ज्यादा काम आता है। सारे बहस और विवादों के बाद ये तय हुआ है कि सरल जीवन ही श्रेयकर है हिंसा से जीवन तहस नहस हो जाता है चिंताग्रस्त रहता है हिंसा का परिणाम भी अच्छा नहीं होता निरंतर संघर्ष मिलता है इससे अच्छा है कि आदमी अपना जीवन सरलता से व्यतीत करे सरल जीवन ही अच्छा जीवन है चंपा कैसे उदम करती है चंपा छोटी और नटकट लड़की है कभी उसे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है लेकिन उसका बढ़ना पसंद नहीं है चंपा सुंदर ग्वाला है वो गाय भैसे चराने के लिए जाती है चंचल चंपा कभी कभी उधम मचाती है कभी वो कवि की कलम छिपा देती है तो कभी कागज गायब कर देती है इस कविता में कवि चंपा की मनोभावना और जीवन पद्धति व्यक्त की है कवि चंपा को पढ़ने के लिए प्रेरित करके स्त्री शिक्षा का पर दिया है विद्यार्थी मित्रों त्यार बाद विभाग बी विभाग बी छे गद्य विभाग छे तो संपूर्ण सोल्यूशन मेल निम्नलिखित प्रश्न उत्तर दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर लिखिए बच्चे में संस्कार खाली जगह हो रहे हैं तो चौपट हो रहे हैं तो जवाब विद्यार्थी मित्रों बी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए बापू के तीनों बंदर इशारे से क्या कर रहे हैं बापू के तीन बंदर इशारे से क्या कर रहे हैं कि एक ने आंख बंद करो जुबान बंद करो कान बंद करो अपने को आत्मस्त करो वो हमें इशारे से बता रहे हैं चंद्रशेखर आजाद किन गुणों के पोषक थे चंद्रशेखर आजाद जीवन की पवित्रता सामाजिक निर्मलता व्यक्तिक उज्ज्वलता और नैतिक उच्चता इन गुणों के पोषक थे दो तीन वाक्य में उत्तर लिखिए अजंता के चित्र में कौन कौन सी कहानियां हैं अजंता के चित्र में बंदरों की कहानी हाथियों की कहानी हिरनों की कहानी कुर्ता और भाई की दया और त्याग की कहानियां है राजा और कंगाल विलासी और भिक्षु नर और नारी मनुष्य और पशु सभी कलाकारों के हाथों में सिर चीज चले गए हैं पांच पांच-छह वाक्य में उत्तर लिखिए चार गुण का प्रश्न रहेगा भारत माता की जय का नारा हमें किसकी सेवा करने की प्रेरणा देता है भारत माता की जय का नारा हमें खुद अपने और हिंदुस्तान में रहने वाले अपने भाई बहन की सेवा करने की प्रेरणा देते हैं नृश्चित ही हम जय इन लोगों के बोलते हैं जो भारत में रहते हैं इन करोड़ों आदमियों की जो उसके गांवों में नगरों में बसते हैं वे आदमी कौन है नृच्चय ही आप और अपने भाई इसीलिए जब आप भारत माता की जय बोलते हैं तो खुद अपनी और भारत भर में सभी भाई बहनों की जय बोलते हैं भारत माता आप ही हैं और ए, आप अपने ही जय बोलते दिलीप के लिए क्या देखना असंभव था? माँ ने उसके उस लड़के को खाने के लिए रुखी रोटी दी तो उसने जमीन पर डाल दी माँ ने उसको अपनी गोद में लेकर कहा बेटा सुबह में तुझे खूब सौदा बना दूंगी फिर तू रोज दाल खाना बेटा रिझ गया बेटा रिझ गया उसने पूछा माँ तूने रोटी खा ली तो माँ ने कहा हाँ बेटा मुझे भूख नहीं है तू खा ले माँ ने मना किया तभी तो उसने अनिच्छा से एक रोटी माँ की ओर बढ़ाकर कहा एक रोटी तू खा ले माँ ने स्नेह से पूछ पूछा कर कहा नहीं बेटा मैंने सुबह देर से खाई थी मुझे अभी भूख नहीं है तू खा लड़का और उसकी દિન માતા કા પરસ્પર પ્રેમ દેખ કર દિલીપ કે લીએ ઓર દેખના અસંભવ થા દાંતો છે હોઠ દબા કરવો પીછે હટ ગયા ત્યારબાદ વિભાગ સી વ્યાકરણનો વિભાગ છે મિત્રો જો એનો સોલ્યુશન તમે મેળવા માંગો છો તો અહીં જે આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન છે અથવા વિદ્યાર્થી મિત્રો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આપેલી લિંક છે એના ઉપર ક્લિક કરી વિભાગ સી અને વિભાગ ડીનું સોલ્યુશન મેળવી શકો છો વિડીયો પસંદ આવતો હોય તો લાઇક કરી તમારા મિત્રો સુધી શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં